नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। थाना रिफाइनरी के कोयला अलीपुर का रहने वाला पीड़ित आया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वार। ग्वालियर की रहने वाली महिला ने धोखाधड़ी से बैनामा कराया। पीड़ित आया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ कृष्णा गुप्ता की रिपोर्ट। एक ग्वालियर की औरत पे जाकर यहाँ रूपकुसुर मथुरा का रहने वाला है, मैं भी मथुरा का रहने वाला हूँ, मुझे रूपकुसुर है क्या है। उसने जाकर बहनामा उस औरत के द्वारा हमारी जमीन का करा लिया है। 420 उन्होंने हमारे साथ में की है धोखाधड़ी। धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज नहीं कराया था उस औरत ने। औरत ग्वालियर पे उनसे बहनामा करवाया था। वो बोल रही है कि मुझे सिर्फ पेंशन के लिए लेके आए थे कि आपके लिए सरकारी योजना मिलेगी, पेंशन मिलेगी और आप मथुरा चलो। तो उसे पीछे से वो उठा के लेके आए और लाकर उस पर अंगूठे दस्तखत लगवा लिए। महिला कहाँ रहती है? वो महिला ग्वालियर रहती है। यहाँ पर कैसे संपर्क हुआ आपका उससे? उससे क्या है, जैसे रूपकुसुर ने हमसे बोला कि भाई जगह खाली करो। तो मैं जगह क्यों खाली करें, जगह तो हमारी है। तो उसके द्वारा हमें पता लगा। तो महिला का नाम क्या? उस महिला का नाम वो भुज्जो बोल रहे हैं, भुज्जो भुज्जो। तो अब जैसे वो वहाँ से सुना तो उन्होंने मथुरा में आकर रिफाइनरी थाने में उन्होंने FIR की। FIR करने के बाद में दो दिन उस रूपकुसुर को बंद रखा। बंद रखने के बाद में फिर उसे छोड़ दिया। अब ये पता नहीं यानी क्यों छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया जी। तो आपका नाम क्या है? मुरारी नाम है जी मेरा, मुरारी नाथ सपेरा। अच्छा, ये मुरारी नाथ हैं जो कि सपेरे हैं और थाना रिफाइनरी कोयला अलीपुर के रहने वाले हैं। ग्वालियर की रहने वाली एक महिला ने विगत दिनों इनकी ज़मीन को लेकर, आपने सुना ही जो भी पूरा मामला है, अब थाना अध्यक्ष रिफाइनरी ने नहीं की कोई कार्रवाई तो आए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय। अब SSP साहब पर इन्हें है त्वरित रूप से न्याय दिलाने का भरोसा। अब देखते हैं क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। हम तो यही कहेंगे कि मुरारी लाल जो व्यक्ति है, सपेरे का काम करता है, इस समय भुखमरी की कगार पर है यह व्यक्ति, और जो है इसके साथ न्याय होना चाहिए। आला अधिकारियों को इनके मामले का त्वरित रूप से संज्ञान लेना चाहिए। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।